A very good morning to all of you, bache. I'm just not giving you the option to unmute. If anyone will be having any doubt, you are to raise your hand. So we are continuing with question number 3 of exercise 14.2. इंटरवल्स बन गए थे इसके, क्या क्या बने थे? 84 to 86, देन 86 to 88, कहाँ तक हैं? 96 to 98, 98 to 100, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज काउंट करो इनको. चेक कर लो ये. सेवन फोर एटी फोर टू एटी सिक्स जो है दैट इज वन. वन डे ऐसा था आपका जिसमें जो ह्यूमिडिटी थी दैट वॉज फ्रॉम 84 टू इन बिटवीन 84 टू 86. अगेन वन डे इज देयर जिसमें आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दैट वॉज 86 to 88. टू डेज ऐसे थे जब ह्यूमिडिटी वॉज इन बिटवीन 88 to 90. देन टू डेज अगेन फॉर 90 to 92. 7 days for 90 to 94. 6 days for 94 to 96. 7 days for 96 to 98. And again 4 days for the relative humidity between 98 to 100. बन गया ये ग्रुप डेटा. फर्स्ट पार्ट डन. सेकेंड पार्ट, वॉट विच मंथ और सीजन डू यू थिंक डेटा इज अबाउट? ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होती है? अब क्या हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी यू कैन फील रेनी सीजन में जो है, दैट इज क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो काफी ज्यादा दिखाई गई है. तो इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डेटा ऑफ द रेनी सीजन. एंड वॉट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा? मिनिमम वैल्यू क्या है? 84.9 एंड द मैक्सिमम 99.2. सो रेंज, फर्स्ट पार्ट क्लियर ये हो गया. सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे? दिस इज द डेटा ऑफ रेनी सीजन. एंड द थर्ड वन इज रेंज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ये LMT मैंने शॉर्ट लिख दिया है लिमिट का, माइनस लोअर लिमिट. आप एक बेंच आगे आओ वत्सल. और आप अच्छे लास्ट, नहीं लास्ट में नहीं जाओगे आप, वत्सल आप यहीं बैठो, आप बीच में से उठ के आगे आ जाओ. हाँ जी, आप एक बेंच पीछे हो, आप लास्ट में चले जाओ, आप बेंच और आगे करो. You also shift to the last bench. Purvi, you also to the last bench. जितना जो जो मेंटेन कर सकते हैं ना डिस्टेंस अकॉर्डिंगली कर लिया करो. यहाँ फर्स्ट बेंच से बोर्ड विजिबल नहीं है. चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन क्लियर. मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ. The heights of 50 students measured to the nearest centimeters have been found to be as follows. हमें 50 students की heights given है in centimeters. Represent the data given by a grouped frequency distribution table taking the class intervals as 160 to 165, 165 to 170. Now you can see in the given data,
आपको 160 से लेस वाली वैल्यूज भी गिवन है। अब यहाँ देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 84 टू 86, 86 टू 88, तो वहाँ 84 से ही हमारा शुरू हो रहा था, बट यहाँ 160 से भी लेस हैं आपकी वैल्यूज, तो इट मींस कि 160 से प्रीवियस वाले इंटरवल्स भी आपको लेने पड़ेंगे। सो विच वन इज द मिनिमम वैल्यू ओवर हियर, 150। इंटरवल कितने का लेना है, क्लास विड्थ कितनी लेनी है, 5 की, तो क्या क्या इंटरवल्स बनेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू आर टू राइट डाउन द फ्रीक्वेंसीज। 150 टू 155, 155 टू 160, देन 160 टू 165 एंड सो ऑन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 173, तो अप टू 175 यू आर टू टेक। आपकी मर्जी है बच्चे। हाँ जी, नहीं जरूरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल। 170 टू 175 तक ही आई थिंक लेना है ना। चलिए 150 टू 155 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस डाटा है आपका। सो दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर्म की अपर लिमिट को आपने एक्सक्लूड करना है। कितने हैं 150, 12, तो द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 12, 155 टू 160, 9, 160 टू 165, 165 नहीं काउंट करना ये ध्यान रखना, 165 टू 170, 10, 170 टू 175। ये कैलकुलेट किए हुए हैं कि पीछे से आंसर देख के बता रहे हैं। हाँ जी, किसमें, फर्स्ट वाले में वन, मैं कॉलम वाइज बता रही हूँ, ठीक है। पहला कॉलम आपका 153, 154, देन 150, देन 152, देन नेक्स्ट में 154, 153, देन वन नहीं, अगले में कोई नहीं है, देन उससे नेक्स्ट में भी कोई नहीं है, 154, फिर अगले में भी 154, 153, 150, 154, फिर अगले में 151, बने 12, ठीक है। कोई और जिसके इतने ना बन रहे हो तो यू कैन आस्क, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, यू कैन काउंट। फाइन, फ्रीक्वेंसी 12, 9, 14, 10 एंड 5 आ गई हमारे पास। अब क्या करें नेक्स्ट, क्या पूछा है उसने, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। अब टेबल देख के क्या पता लग रहा है आपको, फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं हमें। हाँ जी, हाँ यस, 150 से लेके 165 तक अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो नंबर बन रहा है दैट इज ग्रेटर देन 50%, 50% से वो ज्यादा बन रहा है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर हाइट इन बिटवीन 150 टू 165 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप अपनी चॉइस से डिपेंडिंग ऑन द डाटा कोई भी जो उसका फीचर है वो बता सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम ऑफ अ सर्टेन सिटी। द डाटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। जो हमें ये डाटा गिवन है दैट इज गिवन ऑन द बेसिस, क्या चीज इसमें हमें गिवन है, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर 0.03, ये आपको गिवन है डाटा 30 डेज का, यानी कि 30 जो है एंट्रीज हैं इसमें आपकी। मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा 0.002 0.004, यानी कि 0.04 का डिफरेंस है आपका, क्लास विड्थ है आपका। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या क्या बन रही है, 0.01 इज द मिनिमम वैल्यू, ओके,
जीरो, टू इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम. ये 0.22 वाला कौन है? 0.22 बीइंग अ मैथ्स स्टूडेंट्स दिस इज रॉन्ग. 0.22 ठीक है. अब डेटा बन जाएगा. उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन. तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कितना बनेगा. सो गिवन है हमें कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड. फ्रीक्वेंसी यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज. फर्स्ट क्या लेके चल रहे हैं जावल, 0.002 0.04. नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट 0.06 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
0.22 तक लेना था, तो इंटरवल आप जो है वो हाफ नहीं लोगे, इंटरवल में जो क्लास विड्थ है वो हमने सेम ही रखनी है, तो अकॉर्डिंगली वी विल मूव. चलिए अब इनको काउंट करिए. फर्स्ट वाला है 0.002 0.04. कौन कौन सी एंट्रीज है, एंट्रीज बोलिए. 0.03 इज देयर, देन 0.01 इज देयर, देन 0.02 इज देयर, एंड 0.01 इज देयर. सो 0.04 भी है बट वो नहीं लेंगे. ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हो गई 4. अब 0.04 से 0.08 इंटरवल है, 0.08 नहीं लेना अगर है तो 0.04 से 0.07 वाली वैल्यूज लेनी है. चलिए क्या कितनी है, कौन कौन सी है वैल्यूज बताइए. फर्स्ट वन इज 0.05, यस, 0.07, 0.05, 0.06, 0.06 अगेन, 0.707, 0.04 भी दो है. कितनी बनी, 9. नेक्स्ट 8 से 8, 0.08 to 0.12, ये भी 9. 0.12 to 0.16, 2. 0.16 to 0.20, 4. 0.20 to 0.24, 2. सो क्या पूछा है उसने, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन. कितने डेज के लिए, 0.11 से ज्यादा लेना है हमने, तो ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा. वाई, क्योंकि यहाँ पे 0.11 होगा तो वो हमने लिया हुआ है. हमें क्या बताना है, मोर देन 0.11, मोर देन 0.11 आपके ये तीन वाले उसमें आएंगे इंटरवल्स में. सो द टोटल नंबर इज 2 + 2 + 4, दैट इज 8. सो फॉर 2 + 4 + 2, दैट इज 8 डेज, कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर देन was more than 0.11 parts per million. Done? कोई doubt तो नहीं है. Almost सारे questions आपके similar ही हैं इसमें. Now moving on to question number 6. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. ये आपको given है 30 जो है times उनकी frequencies निकाल लेंगे आप accordingly. Prepare a frequency distribution table for the given data. So this is your homework part. This you will do yourself. Mark it as your homework part.
चलें आगे. क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 प्लेसेस इज गिवन बिलो. पाई यू नो दैट इज एन इरेशनल नंबर. इरेशनल है तो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज चैप्टर 1 में किया हुआ है. कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग और नॉन रेकरिंग. रेकरिंग है, चेक करो. इज इट रेकरिंग? नॉन रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. ठीक है, तो अब यहाँ पे 50 प्लेसेस तक की आपको डेसिमल एक्सपेंशन पाई की गिवन है 22/7 की. एंड मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद आपने डिजिट्स चेक करने हैं. इसमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स का आपने क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. यानी कि ग्रुप्ड नहीं बनेगा, अनग्रुप्ड बनेगा आपका वो. और उसके बाद व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. अब फर्स्ट 50 प्लेसेस का है तो सम टोटल आपका 50 बनेगा उसका. डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9. चलिए, 0 कितने टाइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? 2. हरगुन आप लिख नहीं रहे मेरे ख्याल से. आर यू नोटिंग इट डाउन? ओके. 1 इज एग्जिस्टिंग हाउ मेनी टाइम्स? 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. अब मुझे ये बता जरा कहाँ किया हुआ है. ब्रिंग योर रजिस्टर टू मी. ऑलरेडी यू हैव डन. वेयर इज इट राइट नाउ? आप यहां से अभी काउंट किए हैं. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग. जो आप इतनी फ्रिक्वेंटली ये बोल रहे हो, इतनी क्विकली. सिट डाउन. डन. अब बताओ क्या पूछा है उसने. हाउ मेनी, what are the most and the least frequently occurring digits? Most frequently occurring digit is 3 and 9. सबसे maximum जिसकी frequency है. And least frequently occurring 0. 2 minimum है तो least frequently occurring digit is. जिसकी frequency सबसे ज्यादा है that is the most frequently occurring. जिसकी frequency सबसे कम है that is the least frequently occurring digit. Question number 8. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs at the in the previous week. The results were found as follows. Make a grouped frequency distribution table for this data, taking class width 5 and one of the class intervals as 5-10. Yani ki depending on the data, aapko dekhna hai 0 to 5 you have to include or not. Otherwise 5 to 10, 10 to 15 onwards you will move. Aur kahan tak loge? Pehle minimum aur maximum value check karo. मिनिमम 1, मैक्सिमम 17, तो 20 तक लेके चलोगे. सो फर्स्ट क्या बनेगा आपका इंटरवल? 0 to 5 एंड द लास्ट विल बी 15 to 20. वेरी गुड. जीरो टू फाइव, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज. अब मैंने जो है, चलो ठीक है, ये फ्रिक्वेंसीज बताइए क्या आएंगे. फर्स्ट की 10 है, 5 to 10 काउंट करो. थर्टीन, 10 to 15, 11 आ रहे. सेकेंड वाला
बाकी चेक करो, सेकंड बताओ पहले मुझे, 5 to 10 दोबारा काउंट करो एक बार, 10 को इंक्लूड नहीं करना। थर्टीन है। एक सेकेंड, 6 इज देयर, कॉलम वाइज बोल रही हूँ मैं, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट है 6, देन 8, देन 5, देन 5, देन 9, देन 8, 6, 5, 8, 8, 7, 8, 6, बन गए 13, क्लियर। अच्छा अब 10 टू 15, 5 काउंट कर लो जल्दी से, ये भी 10 इंक्लूडेड है। टेन फर्स्ट कॉलम में, देन फोर्थ कॉलम में 12, सिक्स में 12, देन नेक्स्ट सेकेंड लास्ट में 14, लास्ट में 12, ठीक है, 15 नहीं लेना हमने। देन 15 to 20, 2, टोटल इज 30। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हो गई अब हमारी, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, 15 और मोर आवर्स अ वीक, 2, तो 2 चिल्ड्रन, बाकी आगे क्वेश्चन में से लिख लो, 2 चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन या टीवी लिख लो इसको सीधा, वॉच्ड टीवी फॉर मोर देन 15 आवर्स। A company, question number 9. Just a moment, Panika. So, question number 9. A company manufactures car batteries of a particular type. The lives of 40 such batteries were recorded as follows. Construct a grouped frequency distribution table. So, sirf grouped frequency distribution table hi banana hai. This you will do yourself. Homework part. Intervals ek bar bata do mujhe kya kya. Panika, mute yourself, fine. 0.5 से लेस कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आगे देखो ना, 0.5 क्यों ले फिर, 2 से 2.2 से लेस कोई वैल्यू नहीं है, ओके, 2 to 2.5, देन 2.5 to 3, 3 to 3.5 एंड सो ऑन, मैक्सिमम वैल्यू इज 4.5, तो 4. अच्छा, इन केस लेट अस सपोज 4.6 हमारे पास ना होता तो लास्ट इंटरवल क्या बनना था, 4.5 to 5 लेके चलोगे, क्योंकि 4.5 जो है वो 4 to 4.5 में इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका जो नंबर है यहाँ पे, जो आपका अपर लिमिट है, अगर वो नंबर गिवन है आपको, तो आपको नेक्स्ट इंटरवल बनाना पड़ेगा 4.5 to 5, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है, यही पे मोस्टली बच्चे अपने मार्क्स लूज करते हैं। तो जो अपर लिमिट है, क्योंकि डाटा आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में गिवन है, इट मींस अपर लिमिट इज टू बी एक्सक्लूडेड, इसको छोड़ना है, तो 4.5 यहाँ नहीं काउंट होगा, चाहे वो सिर्फ एक ही बार गिवन होगा, यू आर टू मेक अ न्यू इंटरवल फॉर दिस 4.5 to 5, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट है, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, की डेटा हमने जो अभी तक लिया है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, नाउ वी आर हैविंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा। तो ये जो डेटा है आपका, आप तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फर्स्ट वन इज द बार ग्राफ दैट यू हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस, हिस्टोग्राम दैट ऑल्सो यू हैव डन और नॉट, ओके, एंड द सी इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये नहीं किया होगा मेरे ख्याल के, किया हुआ है, ओके। What is the difference between a bar graph and a histogram? Only two. मतलब क्या क्या difference है इनके बीच में? Bar graph में intervals में spacing होती है, histogram में नहीं होती। Other
यस, जो आपका हिस्टोग्राम है वहां पे क्या होता है, इंटरवल्स गिवन होते हैं एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी, बट बार ग्राफ में क्या होता है, एक्स एक्सिस में क्या गिवन होता है आपको? कैसे, किसमें? वो तो हो गया ना, स्पेसिंग नहीं है बीच में। जो आपका ये होता है बार ग्राफ है, उसमें एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हो आप? सिंगल टर्म होती है आपकी, और जो हिस्टोग्राम में आपको इंटरवल्स गिवन होते हैं, ठीक है। ग्राफ में, हिस्टोग्राम के ग्राफ में स्पेसिंग नहीं होती है, बार ग्राफ में जो है आप इक्वल स्पेसिंग जो है वो छोड़ते हो। अगर आपने दो बॉक्सेस छोड़े हैं तो हर बार से पहले आप दो बॉक्सेस छोड़ोगे, अगर वन बॉक्स आपने लीव किया है तो हर बार से पहले आप वन बॉक्स जो है वो लीव करोगे। सो बार ग्राफ्स आपने किए हुए हैं, अगेन दोनों से आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, जब आप ग्राफ्स इनके प्लॉट कर लेते हो तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो, जो आपका हिस्टोग्राम बनता है उसके जब आप मिड पॉइंट्स लेके उनको ज्वाइन कर देते हो तो वो जो लाइन उनको ज्वाइन करती है, एक तो आप उसको फ्री हैंड ज्वाइन करते हो, स्केल से नहीं ज्वाइन करते, ठीक है। हिस्टोग्राम आपका बना, हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स आएंगे उनको हम ज्वाइन कर देते हैं, उनको ज्वाइन करने पे जो हमारी मतलब ग्राफ बनता है, जो लाइन से ज्वाइन हमने किया फ्री हैंड, वो ग्राफ जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कि हम फ्रीक्वेंसीज को रिलेट करके लेके चल रहे हैं। आपको पता है जब आप हिस्टोग्राम जो है ड्रॉ करोगे तो मैक्सिमम हाइट जो आपकी जाती है ग्राफ की वो कहाँ तक जाती है, जितनी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसका हमने मिड पॉइंट ले लिया, मान लो ये मैंने ले लिया, तो ये मिड पॉइंट्स आप ले लोगे। अब ये मिड पॉइंट ये जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये वाली हाइट जो है, तो इनके जब आप फ्रीक्वेंसीज को पॉइंट्स लेके ज्वाइन कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हाँ जी, होगा वो जब बनाऊंगी तब एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैंने जस्ट एक हिंट दिया है आपको, उसकी ज्वाइनिंग करनी पड़ती है नीचे भी मिड पॉइंट पे। सो लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज। इसमें आप आगे और पीछे भी मूव करते हो, जो इससे प्रीवियस वाले इंटरवल का मिड पॉइंट बनता है और इधर वाला जो इंटरवल नेक्स्ट वाले का मिड पॉइंट बनता है वो। हाँ जी, नहीं है आपका, नहीं है सिलेबस। सो जब ये इस पे आएंगे हम इस टॉपिक पे, देन आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, क्लास मार्क अगेन यहाँ पे आपका गिवन है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय टू, दिस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। मूविंग टू द एक्सरसाइज 14.3, यू आर गिवन द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द विमेन बिटवीन द एजेस 15 टू 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग, आगे क्या लिखा हुआ है वर्ड, फिगर्स, मेरे पास ये डिलीटेड है। फॉर द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज, यू आर गिवन सीरियल नंबर, कॉजेज एंड द फीमेल फर्टेलिटी रेट। फर्स्ट वन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के करके जो डेथ रेट है दैट इज 31.8%, देन न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन जो है दैट इज 25.4, देन थर्ड इज अगेन रिलेटेड विद मी, इंजरीज 12.4%, कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन 4.3, then respiratory conditions 4.1 and other causes 22. represent the information given above graphically. तो data कौन सा graph बनेगा यहाँ पे? bar graph और histogram. this will be a bar graph. so क्या बनाएं, क्या लें हम यहाँ पे? चलो अब ये मान के चलो मुझे नहीं आता, आप बताओगे मैं बना रही हूँ। एक्स एक्सिस पे कॉजेस ले लेंगे और वाई एक्सिस पे परसेंटेज, ठीक है। ये आगे कॉजेस,
और ये आ गई परसेंटेज। फाइव फाइव का यहां नीचे क्या नंबर्स लिखने की जरूरत है मुझे, क्या लिखूंगी यहाँ पे? चलिए पहले बना लेते हैं उसके बाद उसी में लिख देंगे। अब मुझे ये बताओ कि वाई एक्सिस पे कितने का लूं मैं, फाइव फाइव का, तो वहां से आपको पता लग जाएगा, या टेन टेन ले लो तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा रहेगा क्लियर, क्योंकि पॉइंट वन से पॉइंट नाइन टेन आपको वो लाइंस गिवन होंगी, काउंट करनी इजी रहेगी। आप उसमें फाइव फाइव का जब आप लोगे तो दो लाइंस को आपको पॉइंट वन काउंट करना पड़ता है, वहां कंफ्यूजन हो जाती है। इफ यू आर परफेक्ट इन दैट काउंटिंग तो यू कैन गो फॉर फाइव फाइव ऑल्सो। सो दिस इज टेन, इसके बीच में जो आपकी टेन लाइंस होंगी दैट इज 0.1, 0.2, 0.3, वहां से आप काउंट कर लेना। देन 20, 30, मैक्सिमम कितने, चलो 40 तक ले लिया। आगे अब कॉस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8, तो 31 यहां होगा फर्स्ट वाली लाइन, सेकेंड वाली लाइन से स्लाइटली नीचे, यानी कि 31 और 32 के बीच में आप लोगे पॉइंट। यहाँ ड्रॉ करना है कि यहाँ करना है, इस वाले इंटरवल में कि इस वाले में, सेकेंड वाले में, फर्स्ट बॉक्स यू हैव टू लीव। आपको मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ जो भी आप बॉक्सेस छोड़ते हो दैट शुड बी इक्वल, तो यहाँ फर्स्ट वाला हमने छोड़ दिया। अब 31.8 है तो 31 और 2 के बीच में आप ले लोगे, दिस इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आप यहां पे भी लिख सकते हो इसको, इन एनी वे यू कैन राइट डाउन। चलिए अब सेकेंड वन इज न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस 25.4, तो ये आपका 25 आ गया, 25 और 26 के बीच में ले लेना। इतने कम डिस्टेंस में ना आपका जो एग्जामिनर है उसको गलती निकालनी मुश्किल हो जाती है, 25 से 26 के बीच में आपने जहां भी लाइन ले ली तो दैट विल बी करेक्टेड। सो दिस इज 25, तो 26, अब मैं अगर इसको यहां बना दूं विल इट बी करेक्ट, वन, हाँ वन बॉक्स आई हैव टू लीव, दिस इज द न्यूरोसाइकाइट्रिक मैंने बाहर निकाल दी, आप इसको बीच में ही लिख लेना, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन ओवर हियर आल्सो वेयर एवर यू विश। देन द नेक्स्ट वन 12.4 इज द इंजरीज, सो 12 और 13 के बीच में आप ले लोगे, नेक्स्ट 25.2 था, 4 था, और इधर 31.8, चलो नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3, तो 4.3 और 4 के बीच में ले लेना, ये आपका 5 है, ये कौन सा था कार्डियोवैस्कुलर, नेक्स्ट 4.1, ये था 4.3, इससे थोड़ा सा नीचे लोगे रेस्पिरेटरी 3, कितने हैं, तो 20 से ऊपर लोगे आप इसको, 20 से नेक्स्ट टू लाइंस ले लोगे, 22 पॉइंट और 22 पूरा, ओवर। सो इनको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे एंड दैट ग्राफ यू विल पेस्ट इन योर होमवर्क नोटबुक। टाइम इज ओवर, हाँ दिस इज द होमवर्क पार्ट, so rest of the questions we will do tomorrow।
So according to the term one syllabus, this is the last chapter that we are doing, and after that we will start the revision part. So most probably within the next week we will start the revisions. If any doubt is there, online students, you can ask.